नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। झुंझुनू की डीएसटी और क्यूआरटी टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए मोडासिया गैंग के मुख्य सरगना मिंटू मोडासिया को हरियाणा पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है। पिलानी में दिन दहाड़े अपहरण कर जान से मारने का भय दिखाकर प्लॉट की नोटरी करवाने के मामले में फरार चल रहे पिंटू उर्फ मिंटू मोडासिया को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पिलानी सीआई रणजीत सिंह सेवदा ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 अप्रैल 2022 को ढक्करवाला निवासी ब्रजेश कुमार ने मिंटू मोडासिया सहित 7-8 लोगों के खिलाफ पिस्टल की नोक पर स्कॉर्पियो गाड़ी में डालकर ले जाने और डरा धमका कर प्लॉट की नोटरी अपने नाम करवाने का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्वार्टर की ओर से वांछित अपराधियों को पकड़ने का एक अभियान चला रखा है। इस अभियान के दौरान आज डीएसटी, एसएचओ सूरजगढ़, एसएचओ पिलानी, क्यूआरटी के सहयोग से और हरियाणा पुलिस के सहयोग से मोस्ट वांटेड हार्डकोर अपराधी जो कि हरियाणा और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में लूट, रंगदारी के इसके करीब एक दर्जन से अधिक मुकदमे हैं, उसको आज गिरफ्तार किया है। ये हमारे यहाँ एक मुकदमा 142/22 में वांटेड है, जिसमें ये एक आदमी उठा के और उसको लेके मारपीट करके उससे प्रॉपर्टी के कागजात अपने नाम से साइन कराएं, जिसमें आज ये बहल पुलिस के सहयोग से आज इसको दस्तयाब किया और उसको मुकदमे में गिरफ्तार किया है। के खिलाफ राजस्थान और हरियाणा में हीनियस ऑफेंस करीब एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं इसके विरुद्ध। प्रतापगढ़ में छायण से रठांजना डामरीकरण सड़क का उद्घाटन विधायक रामलाल मीणा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। सड़क उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक रामलाल मीणा ने संबोधित करते हुए कहा कि पहले के नेता सड़कों के नाम से वोट लेकर चले जाते थे, उसके बाद में ना तो रोड की तरफ देखते थे ना ही क्षेत्र में जाते थे। मेरे जीतने के बाद मैं सदैव जनता के बीच में रहता हूँ। इस अवसर पर प्रतापगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमल सिंह गुर्जर सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और ग्रामीण उपस्थित रहे। सायला उपखंड मुख्यालय पर स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में विधायक मद और ग्राम पंचायत मद से ग्राम पंचायत सायला द्वारा निर्मित सीसी सड़क का सायला सरपंच रजनी कंवर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सरपंच रजनी कंवर ने ठेकेदार और मौजूद मजदूरों से सामग्री की गुणवत्ता और मिश्रण की जानकारी ली। साथ ही निर्धारित मिक्स का प्रयोग करने, सड़क का निर्धारित ढलान बनाने सहित बरसाती पानी की भूमिगत टांके में उचित निकासी के समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत भिनाए की सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा के खिलाफ पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने के बाद से ही क्षेत्र की राजनीति में भूचाल सा आता दिखाई दे रहा है। सरपंच समर्थक वार्ड पंचों और विरोधियों के मध्य राजनीतिक उथल पुथल से माहौल गरमाया हुआ है, जिसका ताजा उदाहरण देखने को मिला जब ग्राम पंचायत भिनाए का दोनों पैरों से विकलांग वार्ड पंच मुकेश माली पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह के कार्यालय में रिपोर्ट लेकर पहुंचा। वार्ड पंच ने अपने रिपोर्ट के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि विगत दिनों हुए अविश्वास प्रस्ताव में उसने सरपंच का समर्थन करते हुए मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तब से ही उसे लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वार्ड पंच ने पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की मांग की है। सरपंच के पक्ष में था और सरपंच में पक्ष में रहने का ये मिला मेरे को। ये ऋषिकेश गोसैया ने परसों रात को मेरे को फोन लगा के गंदी गालियाँ दी, बदी बदी गालियाँ रखी और जान से मारने की धमकियाँ दी और मेरे घर पे आके मारने की पूरी धमकियाँ, परिवार को धमकियाँ दी कि कल दिनांक 22 को 23 तारीख को मीटिंग थी, उसमें भी मेरे साथ गली गलौज की थी, मारने पे उतारू हो गए थे और महिला वार्ड पंच को भड़काया जा रहा था कि इनको मारो, जो भी पैसा होगा मैं लगाऊंगा। और उसमें ऋषिकेश दोसाया, मानक सासी और पिंकी मामनानी थी और मेरे साथी वार्ड पंचों ने बीच बचाव किया था। सरपंच साहिबा और ग्राम विकास अधिकारी अगर बीच बचाव नहीं करते तो मेरे को मार सकते थे और मेरे को जान से मारने की पूरी पूरी धमकियाँ दी जा रही है। कभी कहते हैं कि रोड एक्सीडेंट में मार दिया जाएगा, कभी क्या कहते हैं, ऐसे मेरे को जान माल का पूरा पूरा खतरा है। आज मैं डिप्टी साहब के यहाँ रिपोर्ट दर्ज देने आया हूँ और धर्म भाई डिप्टी साहब ने मेरे को सूचना देने का पूरा आश्वासन दिया गया है और सुरक्षा मिलेगी। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पर झालावाड़ जिला कलेक्टर भारती दीक्षित पहुंची।
कामखेड़ा बालाजी मंदिर पर पहुंचकर बालाजी के सन्मुख विद्वान आचार्यों के नेतृत्व में कामखेड़ा बालाजी मंदिर पर पूजा अर्चना कर बालाजी महाराज का आशीर्वाद लिया। बालाजी मंदिर में कलेक्टर को सार्वजनिक ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कामखेड़ा बालाजी मंदिर से जुड़ी जानकारियों के बारे में अवगत करवाया। मांडलगढ़ तहसील क्षेत्र के महुआ से अनुसूचित जाति की 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना से संपूर्ण शाहपुरा ब्लॉक में वाल्मीकि समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। घटना को लेकर समाज बंधु त्रिमूर्ति चौराहे से एक साथ होकर उपखंड कार्यालय शाहपुरा पहुंचे, जहां पर तहसीलदार नारायण लाल जीनगर को ज्ञापन सौंपा गया। वाल्मीकि समाज विकास समिति के नेतृत्व में ज्ञापन के जरिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राजस्थान सरकार को भेजकर आग्रह किया गया है कि बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जल्द बालिका को न्याय दिलाया जाए। तालेड़ा उपखंड क्षेत्र के चांदा का तालाब गांव में मृतक सुखपाल गुर्जर की 3 दिन पहले हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर केशोराय पाटन डीएसपी शंकरलाल मीणा और तालेड़ा थाना अधिकारी दिग्विजय सिंह मृतक सुखलाल के घर पहुंचे और मृतक के परिवार और ग्रामीणों से समझाइश की। डीएसपी शंकरलाल मीणा ने कहा कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और आपसी लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो उसके लिए समझाइश की गई। वहीं परिवार के लोगों ने डीएसपी शंकर लाल मीणा से परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की और पूरे आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी मांग की गई। साथ ही ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता दिलाने की भी मांग की। मेरे चाचा के पास कोई गाड़ी नहीं थी। धर्मराज गुर्जर ने झूठी रिपोर्ट की कि उसने मेरे गाड़ी से बचेड़ मार दी, एक्सीडेंट कर दिया मतलब रास्ते में, तो उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। झूठी रिपोर्ट वहाँ पे जाके दुर्गा लाल एसआई साहब ने सच कर दी और मेरे चाचा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और लादू राम जी थानेदार साहब के पास मेरे चाचा ने जमानत करवानी पड़ी। तो क्या पहले भी रिपोर्ट दी थी दुर्गा लाल जी साहब को? दुर्गा लाल सर के पास रिपोर्ट दी थी हमने, उसका कोई ये नहीं किया। 2-3 बार रिपोर्ट दी थी उनके पास, 2-3 बार रिपोर्ट दी थी उनके पास। मृतक के द्वारा पहले भी 10-15 दिन पहले रिपोर्ट दी गई थी? हाँ, मृतक के द्वारा दी गई थी। अच्छा, जिसके तहत आपने? हाँ, वो शांत नहीं हुआ जिसके पहले दी थी और एक नमाना थाने में दी थी। अच्छा, नमाना थाना क्षेत्र पे वो हरिपुरा गांव में वहाँ पे घुस कर बैठे हुए थे उसको मारने के लिए, तो मेरे चाचा को पता चल गया कि यहाँ पे घुस कर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने नमाना थाने पर रिपोर्ट दी। तो नमाना थाने वालों ने बोला कि आपके पास क्या सबूत हैं, आपको गाली दी, आपको मारपीट की, क्या किया आपके साथ? नमानता ने उसमें कार्रवाई नहीं की? नमानता वालों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। अगर वो कोई कार्रवाई, उन्होंने गवाह मांगे। अच्छा, अगर वो कार्रवाई करते तो आज मेरे चाचा की मौत नहीं होती। झुंझुनू के खेतड़ी पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक समिति सभागार में प्रधान मनीषा गुर्जर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें खासकर पानी के मुद्दे छाए रहे। कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना का पानी खेतड़ी को उपलब्ध करवाने के बावजूद भी पीने के पानी की समस्याओं को जनप्रतिनिधियों ने बैठक में रखा, जिसके बाद प्रधान मनीषा गुर्जर ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे गांव-गांव जाकर सर्वे करें और अवैध कनेक्शनों के साथ साथ लीकेज को ठीक करें। पंचायत समिति में आज साधारण सभा की बैठक थी। मेन मुद्दा यहाँ पे पानी का ही है, क्योंकि पानी की समस्या ने बड़ा विकराल रूप धारण किया हुआ है और हम लोगों ने भी यही किया कि जितनी भी लाइनें हैं मैक्सिमम जगह ये इशू आ रहे हैं कि अवैध कनेक्शन की वजह से हर जगह सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि अवैध कनेक्शन हर जनप्रतिनिधि अपने अपने वार्ड क्षेत्र में हटवाए ताकि आम जन तक जितना पीने का पानी तो उपलब्ध हो, और इसके अलावा जहाँ जहाँ ज़्यादा दिक्कत आ रही है वहाँ पर टैंकर की व्यवस्था हो, इस बात का हम लोगों ने रखा। राजस्थान के जयपुर जिले में भीषण गर्मी के चलते पानी की समस्या को लेकर लगातार विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब ऐसा ही एक मामला आमेर विधानसभा की ग्राम पंचायत देव का हरवाड़ा में सामने आया है, जहां पानी की समस्या को लेकर ग्रामवासियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि इन दिनों भीषण गर्मी के चलते बूंद बूंद के लिए भटकना पड़ रहा है। पानी की कमी के चलते लोगों के साथ साथ मवेशियों को भी पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बाद भी कोई समाधान नहीं किए जाने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। पेयजल किल्लत के चलते लोगों को मजबूरन महंगे दामों में पानी के टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं। लोगों ने कहा कि अगर जल्द ही प्रशासन और पंचायत प्रशासन द्वारा पानी की समस्या को लेकर उचित कदम नहीं उठाया गया तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि इस मौके पर बनवारी लाल मीणा, मोहित योगी, बाबूलाल शर्मा,
सुरग्यान गुर्जर, बनवारी गोठवाल, बाबूलाल तंवर सहित अनेक महिला और पुरुष मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।